नमस्कार, से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गाजीपुर से बड़ी खबर मिल रही है, मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। करीब आधे घंटे बाद सुपुर्दे खाक होगा मुख्तार। मैयत और जनाजे की नमाज की तैयारियां जारी है। मुख्तार के जनाजे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्तार के घर के पास भारी भीड़ जुटी हुई है। पूरे गाजीपुर में धारा 144 लागू है। गाजीपुर में डीएम एसपी ने मोर्चा संभाल लिया है। मोहम्मदाबाद छावनी में तब्दील हो गया है। तो ये जनाजा निकाला जा रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। बता दीजिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल घर से जनाजा ये निकाला जा रहा है। शव को जनाजे के जरिए कब्रिस्तान तक ले जाया जाएगा, जो कि तकरीबन 700-800 मीटर की दूरी पर ही है। पुश्तैनी कब्रिस्तान, वहीं पर मुख्तार के शव को दफन किया जाएगा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार के जानने वाले, परिचित, रिश्तेदार, हर कोई जनाजे में शामिल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये लोग कब्रिस्तान के बाहर तक ही जा सकते हैं। उसके बाद अंदर जाने की इजाजत सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगी जिनके नाम लिस्ट में शामिल हैं। कड़ी सुरक्षा का पहरा इस वक्त नजर आ रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसका सख्त पहरा नजर आ रहा है, सड़क से लेकर आसमान तक नजर रखी जा रही है। सोशल साइट पर भी पैनी नजर है और प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। अलग अलग जगहों से फोर्स को बुलाया गया है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए, काफी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। लोग जनाजे के साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए मुख्तार मसीहा था। भले ही अपराध का गढ़ उसने बना लिया हो, तमाम आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया हो, लेकिन गाजीपुर और उसके आसपास के इलाकों के लिए ये मसीहा था, और इसी वजह से ये लोग इतनी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, हालात ना बिगड़े, इस पर भी पुलिस की पैनी नजर है। तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। हर हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। ये जनाजे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर्वर एक गाजीपुर मुख्तार अंसारी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक ऐसा खूंखार माफिया जो कि जेल में रहकर चुनाव लड़ा और 3 बार का विधायक भी बना, जिसे पकड़ना इतना आसान नहीं था, जेल में डालना इतना आसान नहीं था। अब उसका अंत हो चुका है, लेकिन उन लोगों ने राहत जरूर ली है जो इसके अपराधों का शिकार हुए थे। आज वो कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। मुफ्ता का माफिया राज अब खत्म हो गया है, मिट्टी में मिल जाएगा ये माफिया। अब से थोड़ी देर में सुपुर्दे खाक होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परिवार के सदस्य मौजूद हैं जो कि जनाजे के साथ साथ चल रहे हैं। ये देखिए, बीच में लोग और दोनों साइड पुलिस का पहरा इस वक्त नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घर से कब्रिस्तान के लिए जनाजा निकल रहा है। कब्रिस्तान में भी कब्र खोद दी गई है, और वही पुश्तैनी कब्रिस्तान जहां पर मुख्तार के परिवार वालों को दफन किया गया, उसी कब्र के सामने मुख्तार को भी दफनाया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक वक्त में मुख्तार का खौफ इतना ज्यादा था कि अधिकारी तक थर-थर कांपते थे। सरकारों का संरक्षण इसे मिला करता था, और इसी वजह से इसकी तूती बोलती थी।
और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। नीतीश, काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रही है, जनाजा निकल रहा है। देखिए, जिस तरह का अनुमान था और जैसा कि जी मीडिया लगातार ये बता रहा था कि भले ही प्रशासन कितने भी दावे कर ले, लेकिन जब जनाजा निकलेगा उस वक्त जब भीड़ होगी तो वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था को चैलेंज देने वाली होगी। हालांकि जो वहाँ गाजीपुर का प्रशासनिक अमला है ये दावे कर रहा था कि हम इस पूरी भीड़ को कंट्रोल करने में पूरी तरह से समर्थ हैं। और अब वहां पर अगर देखें तो जिस तरह से मोहम्मदाबाद में हर जगह आपको चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था दिखाई देगी तो इस भीड़ के मद्देनजर ये दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दूं कि जो भीड़ है वो लगभग अनुमानित हजारों की भीड़, इसे हम कह सकते हैं हजारों की ये भीड़ है। और जो जनाजे की भीड़ है वो कहीं ना कहीं, जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं, कि प्रशासनिक व्यवस्था को चैलेंज करने वाली भी है। कई आतताई इस भीड़ में भी कई मौजूद हैं। मीडिया के कैमरे जब वहां पर पहुंच रहे हैं तो मीडिया के कैमरों से भी बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पत्रकार हैं वो अपने आप को खुद ब खुद इस भीड़ से अलग करके इस पूरी कवरेज को दिखाते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें कुछ ऐसे उपद्रवी लोग भी मौजूद हैं जो मीडिया कर्मियों से बदसलूकी कर रहे हैं, जो साइड में किनारे पर चल रहे लोग हैं उनसे बदसलूकी कर रहे हैं। तो प्रशासनिक अमले को इन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ी देर में, ऐसा कहा जा रहा है, थोड़ी देर में जो जनाजा है वो कब्रिस्तान तक पहुंच जाएगा। और आपको जी मीडिया पर हम ये जो जनाजे के पहुंचने की तस्वीरें हैं वो भी दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस भीड़ का अनुमान था वो भीड़ जनाजे के साथ चल रही है। हालांकि प्रशासनिक अमले से जुड़े हुए लोग सुबह से लोगों को अपील करते हुए देखे जा रहे थे, लोगों से कि आप वहां पर भीड़ ना लगाएं, अनावश्यक तरीके से भीड़ ना लगाएं। तो अब ये देखना होगा कि जब कब्रिस्तान तक ये भीड़ आती है तो क्या जो प्रशासन के दावे हैं कि ये भीड़ रुकेगी नहीं, आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, तो क्या आगे बढ़ती है या भीड़ एक जगह इकट्ठा होकर कोई अव्यवस्था उत्पन्न करती है, ये देखने वाली बात। बिल्कुल नीतीश, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि जनाजे के साथ साथ बहुत ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सबको परमिशन अंदर जाने की तो शायद नहीं है। जिन लोगों के नाम लिस्ट में शामिल है सिर्फ वही अंदर जा सकेंगे कब्रिस्तान में। देखिए, आपको बता दें, जिलाधिकारी से, गाजीपुर के जिलाधिकारी आरिका अखोरी से हमारी बातचीत हुई है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अतीक अहमद के समय जिस तरह की लिस्टिंग की गई थी वैसी कोई लिस्टिंग इस समय नहीं की गई है। हालांकि जो लोग कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे, सुपुर्दे खाक में मिट्टी देने के लिए जाएंगे, उन लोगों को जाना गया है, उनकी पहचान की गई है। और इसके साथ ही जब वो लोग अंदर जाएंगे तो उन पर प्रशासन की पूरी नजर रहेगी। लेकिन जो लोग इस तरह की भीड़ में शामिल होंगे उनको जानना शायद हर किसी के लिए कठिन होगा, क्योंकि भीड़ को सड़क पर दिखाई पड़ेगी। तमाम जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई, गाड़ियां जरूर प्रतिबंधित कर दी गई हैं, लेकिन अब भीड़ बढ़ने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये है पुलिस के सामने कि ये भीड़ कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि जनाजे के वक्त जो यहाँ पर जो भीड़ है उसको कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती रहती है। और आप देखिए, आपको मैं लगातार जो है तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आप सामने की तरफ तस्वीरें देख सकते हैं कि अब यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे अपने घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ पीछे से भी अब भीड़ जो है वो आ रही है। जो मेन रास्ता है, जो 500 मीटर का जो सेक्टर जो डिवाइड किया गया था, वहां से भी भीड़ अब अचानक से निकलना शुरू हो गई है, जनाजा चुका है। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं जो यहां पर रहते हैं, तमाम उनके जो समर्थक हैं, तमाम जो उनके परिवार के लोग हैं, उनके मोहल्ले के लोग हैं, अब इस जनाजे में शामिल होने के लिए अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं। और आपको बता दें कि इन तस्वीरों के अलावा हम एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं, कि वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि ठीक पीछे हम कोशिश करेंगे अपने कैमरा सहयोगी से तस्वीरें जरूर दिखाएं। पीछे की तरफ का एक रास्ता जो है वो हम दिखाते हैं कि आपको एक थोड़ा सा जो है ये देखिए आप ये जो है इसको पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है, क्योंकि इस एरिया के बाद जहां पर मैं मौजूद था इस एरिया में किसी को भी जाने के लिए मतलब अंतिम पॉइंट वो रखा जाएगा। और कोशिश ये है पुलिस की कि वहां पर जो है सबको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए। एक कैमरा में सहयोगी चाहूँगा कि मैं एक तस्वीर जरूर दिखाऊँ, क्योंकि देखिए पीछे का भी जो रास्ता है यहाँ पर भी पुलिस बल जो है तैनात किया गया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ से पीछे का रास्ता जो है इसमें इसके साथ साथ यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं सब में ताला लगा दिया गया है। अपने कैमरा सहयोगी चाहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर ताला लगा दिया गया है और किसी को भी दुकान की इजाजत फिलहाल आज अभी नहीं है। सुप्रीम खाक हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। इस तरह की जो जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इसके साथ साथ लगातार अब भीड़ का जो पैमाना है वो बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे जो भीड़ है वो अभी और बढ़ेगी और इस बात का अंदाजा पुलिस को है। और शायद इसीलिए अलग अलग सेक्टर्स में जो है कर्मियों के लिए ड्यूटी लगाई गई है। 150 इंस्पेक्टर हैं, 21 SDM लगाए गए हैं, 25 के आसपास जो है एडिशनल SP जो है उनकी ड्यूटी लगाई गई है, 3000 से ज़्यादा सिपाही लगाए गए हैं, महिला सिपाहियों को तैनात किया गया है, LIU की 8 यूनिटों को तैनात किया गया है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। तो ये पूरा एक सुरक्षा खाका जो है तैयार किया गया है। लेकिन
आपको बता दें कि अभी फिलहाल थोड़ा सा और 10-15 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 10 के बाद यहाँ जिस तरह से भीड़ अचानक से बढ़ी है तो ये माना जा रहा है भीड़ बढ़ेगी। और हमारे कैमरा सहयोगी से हम चाहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं, हालांकि कोशिश ये लगातार जारी है कि गाड़ियों को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाए। ये लास्ट ब्लॉकिंग पॉइंट जो है ये रखा गया है, तो ये कब्रिस्तान के सामने का लास्ट ब्लॉकिंग पॉइंट है। लेकिन चूंकि भीड़ जो है वो अलग अलग गलियों से आ रही है, तो उसको भी कंट्रोल करना बेहद जो है मुश्किल होगा पुलिस के लिए। हालांकि आपको बता दें कि लगातार कोशिश ये है पुलिस की कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनको समझाया जाए, आग्रह किया जाए और उसके बाद उनको वहाँ से हटाया जाए। तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि ये तस्वीरें जो हैं ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं, जहाँ पर इस वक्त जो है तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जनाजे के लिए पहुँचे हुए हैं और लगातार अब भीड़ का जो पैमाना है वो बढ़ता रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार अलग अलग एरिया में पुलिस का सख्त पहरा इस वक्त नजर आ रहा है। भारी भीड़ इस वक्त जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंची हुई है। यहाँ नमाज होगी और उसके